भाई आज थोड़ा लोकेशन वो बदल गई। उस घर में बहुत धूप आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये मेरा रूम वर्किंग वाला है वहाँ पर। तो आज का आपका टॉपिक इज, वैसे टॉपिक था कि कुछ रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं कि नहीं, व्हाट यू थिंक की इम्पैक्ट है कि नहीं। तो मैं सोची ये नहीं करके अगर सिर्फ ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं किसी से भी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि सपने तो एक टाइम के बाद देखना भूल जाते हैं ना हम लोग। मतलब बचपन में अगर बोलो तो क्या कुछ नहीं कहते थे कि ये करना है, वो करना है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे करना है, वैसे। मतलब यूज़र अभी चाहते हैं यूज़र मैनुअल ना, एवरीथिंग करने को, कुछ भी नया करने को तो उसका ये चाहिए हमें, क्या बोलते हैं उसको, SOPs चाहिए। खुद वो नया चीज़ करके वो एक्साइटमेंट नहीं रहना चाहिए। वो कैसे, छोटे बच्चे को देखोगे ना कि कुछ भी नया खिलौना दे दो तो यूजर मैनुअल मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं ना। तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद, मतलब वैसा अगर नहीं रहते हैं तो उसी टाइम अपना ड्रीम्स मरने लगता है। तो जैसे ही आप कोई ड्रीम देखो, आज को मेरा मम्मी मम्मी के लिए बहुत बड़ा ड्रीम था, बड़ा नहीं था, छोटा ही था, बिकॉज मम्मी को कुछ भी भेजूं तो पैसे पूछती थी कितना का है। टूथब्रश भेज रही हूँ एक, उसके लिए बोलती थी कितना का है, मतलब 4,000 रुपीज़ का। ये कोई बात हुआ पम पम, क्या क्या बात हुआ? तो समझो तो कि 4,000 रुपीज़ का क्यों है, ऑटोमेटिक है और सिर्फ तुमको प्रॉपरली उसको ठीक से प्लेस करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्लीन इट। तो क्यों इतना झंझट लेना मम्मी, मतलब सब चीज़ में उसका ज़्यादा ऑटोमेशन है और ये सब ही भेज रही थी। मैनुअल अभी उतना देखते नहीं है लोग, सबको ऑटोमेशन चाहिए। तो मम्मी के लिए था कि कोई भी चीज़ वो पकड़े ना तो पीछे मोड़ के टैग नहीं देखे, ऐसा नहीं देखे कि ये खरीद ली तो इसका साड़ी मैं देखूं, हाँ ये औकात है तो ले ली, इतना सोचे ही नहीं। मम्मी अगर मुझे जिस दिन बुलाए मैं उस दिन आ जाऊं, ये नहीं देखूं कि हाँ मेरे को 10,000 पाउंड देना होगा, या सिंगापुर में थी तो $5,000 लगेंगे, अगर रात में बुलाई तो रात में आ जाऊं। क्योंकि मम्मी तो मेरे लिए सोचकर नहीं की ना, मम्मी तो मेरे लिए वो सब सेक्रीफाइस की जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये सब सपने थे मम्मी को लेके मेरे को, और पूरा भी की थी, सब चीज़ पूरा की थी जितना मेरे ये में था। ये में था मतलब कि 4,000, 10,000 तक दी हूँ मैं, जो चीज़ 300 में चला लेते हैं लोग, तो वो इंटू 10 फोल्ड करके भी मैं दी हूँ मम्मी को। अगर मम्मी अभी कुछ दिन और रह लेती तो पूरा जहान ही दे देती मैं। अपने लिए मैं सोचती थी कि क्या करना है क्या नहीं, बट मम्मी के लिए लगता था कि मैं तो जी ही रही हूँ, मैं तो एटलीस्ट वो चीज़ देख रही हूँ जो मम्मी तुम अभी तक नहीं देखी है, तो तुमको वहीं रहकर और क्या चाहिए। मतलब उसको सोचने पर विवश करती थी कि तुमको और क्या सोचना है, तुमको और क्या चाहिए। क्योंकि मैं बोली ना एक टाइम के बाद यू फॉरगेट कि आपको क्या चाहिए, तो मम्मी बोलती थी कि यार मेरे को ना नर्स के कपड़े अच्छे लगते थे, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये सपना था, मुझे इंग्लिश बोलना चाहे, मतलब आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, बहुत ही दिन तक मतलब इंग्लिश में बातें करना, इंग्लिश में वर्ड्स समझाना। वो जब मैं इंग्लिश में बात करती थी कभी कभी वो चिढ़ जाती थी, ज़्यादा दिखा मत। तो ये जो सपने कहीं दब जाते हैं ना, और मतलब मैं किसी अगर दोस्त को बोलूं कि मैं यार ऐसे सोच रही हूँ और वो तो पागल हो, ये कभी होगा, तो ये तो आएंगे ही। और ये लोग वही है ना जो कभी सोचे भी नहीं कुछ करने को, करना तो दूर का बात है, बोलती हूँ ना, तो उतना सोचना नहीं है, ये सब लोग हैं, लोग का काम है कहना। तो एक मंत्रा बना लेते हैं ना, मतलब मैं बना ली हूँ मंत्रा कि जो लोग बोले कि ये नहीं करना है वही कर लो, जो लोग मना करे कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ फंस गई, ये कभी नहीं हुआ, तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये होगा, तुम्हारे को और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है क्या, तुम्हारे को इतना ज्यादा पैसा कमा के क्या करोगी, तुम इतने ज्यादा पैसे में खुशी नहीं है, तुम पैसे के बारे में इतना क्यों सोचती हो, पैसे के अलावा भी खुशी आ सकता है, हम लोग कैसे खुश हैं। तो ये सब बातें आप लोग भी सुने होंगे, राइट? ये सब मतलब याद हो गया है मुझे सुनते सुनते। तो मेक इट अ पॉइंट कि जो जो चीज बोले नहीं करने वही करना है अपने को, अपने लिए वही सपना है। अगर बोल दे आज की YouTube में वीडियोस बनाने का क्या फायदा, ये जो तू बना रही है एक लोग देख रहे, दो लोग देख रहे, तू क्यों बना रही है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है?
तो और बनाने का, मरते दम तक कब्र में एक पैर रहे तब भी बनाने का, जो भी बोले नहीं करना वो करने का। और जितना भी मतलब एक तो और समझ लो कि अगर लोग आसपास आपको कुछ बोल नहीं रहे ना, तो आप बहुत फुद्दू काम कर रहे हो। जितना लोग बोल रहे हैं उतना अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि कीड़ा वहीं लगता है उन लोग को। हम जैसे नहीं है ना, बताई थी ना वो एक बार, वो गधा और कुत्ता और सबका ग्रुप्स का बताए थे ना वो सब, तो एक अचानक से उसमें से लोमड़ी निकल जाएगा तो दिक्कत होंगे। तो सबको झुंड चाहिए, अपने जैसे लोग, है ना, अपने जैसे। ज्यादातर देखोगे, अगर मान लो तुम कोई कोलकाता से साउथ में मूव किया, या कोई साउथ से कोलकाता में मूव किया, तुम एक बार देख लेना कुछ साल बाद कि कैसा ग्रुप बनता है। ट्राई कर लो, ट्राई कर लेना कैसा ग्रुप बनता है। मैं लिख कर दे दूंगी कैसा ग्रुप बनता है। तो हर लोग को चाहिए वो झुंड में लेने का, क्योंकि वो इजी रहता है बातचीत करने में। जहां पर ये थोड़ा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, सोचो कुत्तों को बिना परमिशन का क्रॉस ब्रीड कर दे रहे, पर खुद नहीं होना चाहते। जो कुत्ते को क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं वो कभी खुद भी होने का ट्राई करना चाहिए ना उनको, कि क्या लगता है ना। और सपने सिर्फ देखने से नहीं होता है, सपना का एक टाइम पीरियड होता है, और उसका एक मतलब जो वैलिडिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, बड़े सपने होते हैं। मुंह उठाए सुबह में समझ लिए वैसा वाला सपने का बात नहीं कर रही हूँ। वो हर दिन उसके बारे में सोचते रहती थी मैं, ये कैसे होगा, ऐसे कर ली नहीं हुआ तो और क्या करूं जिससे होगा। तो इसको सपना बोलते, क्योंकि ये आपको सोने नहीं देगा ना। अगर आप सो भी गए तो बीच रात में उठ के अचानक से याद आएगा, हाँ ये कर सकते थे, है ना। तो ये सपने होते हैं जब ये आपके बहुत दिल के करीब होते हैं, कि अगर नहीं है पूरे हुए ना, तो लगेगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, है ना। तो ये मटेरियलिस्टिक सपने नहीं है। जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने देखा है कि उसको एक ऑडी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उस ऑडी के लिए अगर वो 80 साल में भी वो खरीद ले, जो काम कर रही है वो 80 साल में भी चला है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो सपना देखी है, उस हिसाब से काम भी करना होगा आपको। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट अ 100 स्टोरी बिल्डिंग एंड आई वॉन्ट 50 जर्मन इन फ्रंट ऑफ माई कार, और आई वॉन्ट टैक फ्री शॉपिंग फ्रॉम माई मॉम, दैट डजेंट मेक मी द वन इन, क्या बोलते हैं उसको वो, अरे जो माँ बाप का बहुत ये करता है, श्रवण कुमार, वो वैसा नहीं हमको बना देगा। बिकॉज उस लायक काम भी करना होगा। माँ बाप को देखोगे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। जो लोग को पसंद आता है ना माँ बाप के पास रहने का, वो आप ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना हेल्प कर सकते हैं। मम्मी मुझे क्लियरली मेरे सामने ही बोलती थी, उनको पता है मम्मी को कि मेरा कितना सैलरी है। अब मैं कन्वर्ट करके नहीं बताती थी, येड़ा जैसा जितना है, और बता देती थी कि इतना हो सकता था, लड़कों के कितना है, मेरे डिपार्टमेंट में कितना है, ऑटोमेशन का कितना है, डेफ का कितना है, सब अच्छे से समझा कर बोलती थी। फॉल्स ये नहीं देती थी, ताकि तुम 4 गांव दूर वो फैलाओ कि मेरी बेटी बाहर है और क्या कर रही है। कोई भी झूठ बात मैं नहीं बोलती थी। अब वो मम्मी का है कि मम्मी भी ऑनेस्टी है, मेरा पापा का काम है ये फेंकना दूसरों के सामने। तो मम्मी को जब ये सब बोल रही है, तो मम्मी को तो पता है कि मैं उनको क्या क्या दे सकती हूँ। तब तभी उसको प्रॉब्लम होता था जब मैं ये से कुछ भी दे रही हूँ उसको। तो अगर सोचो कि मैं अपना औकात बढ़ा लूँ, तो थोड़ा मम्मी भी ये हो जाएगी ना, मम्मी अगर मेरे पास रहती और कुछ साल बाद ही मेरा औकात थोड़ा आगे बढ़ता है, या मैं कुछ ऐसा करती जिससे उसको और टेंशन नहीं होता, तो भी एट ईज रहती ना। उसको तो पता है कि अभी मेरा क्या है। ठीक है, मान लो अगर मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मान लो आज 2 प्रॉपर्टी खरीद लूँ, फिर क्या, तो क्या हुआ उसे। कोविड है, कोविड से तो समझ में आ गया है ना कि कोविड कुछ भी करा सकता है। कि आप प्लान करके अगर चलोगे तब ठीक है, एक हद तक आप सेफ खेल रहे हो। बट अगर कोविड आ गया और फिर वहां पर कोई रह नहीं सकता, और फिर ये सब रूल से कुछ और हो गया, जैसे आप जनरली प्रॉपर्टी लोगे तो स्टूडेंट्स को ही दोगे, क्योंकि रेंट अच्छा आएगा, स्टूडेंट्स ही हायर करते हैं ना ज़्यादा, तो वो रेंट लिए हैं। बट कोविड तो सब कुछ सिखा दिया, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इतने दिन से हैं, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, सब उठ गए, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, इतने साल साल सोचो, उसके अलावा लोगों को आता ही नहीं है। पूरा चेन ऑफ फैमिली एक रेस्टोरेंट ही चलाना जानता है, उसके बाद क्या। तो वो लोग और सपना तो देखे नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे। और उतना है भी नहीं डिग्री या ये कि तुरंत घुस जाए कहीं भी, है ना। तो
हमेशा अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ही तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही नहीं देखे और जो कर रहे हैं उसी में चल रहा है तो ठीक है, तो सांस लेकर तो क्या कितना दिन चल ही लेंगे, अगर कोई डिजीज नहीं हुआ तो सांस लेकर जा ही सकते हैं। तो ये अगर बातें करोगे तो सामने वाले के बारे में और फेंकने वाला टाइप बात नहीं करना है कि मुझे ये चाबी दिखाकर ये करो वो करो, दिल से जो तुम्हारे सपने हैं वो शेयर करना है। गाड़ी घर के अलावा भी सपने होते हैं, वो शेयर करना है। मेरा सपना है कि मैं मंडे को 11 बजे तक सो, मेरा ये सपना है। अब सोचो 11 बजे तक सोने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, अगर एक दिन पूरा सोना है तो और ज्यादा मेहनत करता है। तो अगर आपको सोना है उसके लिए भी मेहनत करना है। इसके बोलते हैं अपनी तरह लाइफ जीना, उठा बैग किया इधर गए। तो थोड़ा आजादी चाहिए अपने को, आजादी चाहिए तो उतना डिग्री का काम भी चाहिए। तो ये मेरा सपना है। अब ये सपना कैसे पूरा होगा, क्या ये जो कर रही हूं उससे होगा, क्या 4 लोग मुझे मना कर दिए तो मैं डर जाऊं, क्या वो जो मना कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं कभी नहीं, राइट? तो अपने पर हमेशा भरोसा है मुझे, और लोग भी आसपास जो मेरे अच्छे हैं, लोग अच्छे इन द सेंस कि लोग बोलते हैं कि फैमिली एंड कुछ दोस्त के अलावा, अगर मतलब एक सर्कल होता है ना आपका, पहले फैमिली फिर कुछ निजी दोस्त और कुछ बाहर के लोग, तो कुछ लोग अगर आपके साथ है तो आप में कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तब नहीं करोगे आप, तो आपके पास आप खुद हो और क्या चाहिए, जो करोगे आप करोगे तो और क्या चाहिए, वो लोग तो करेंगे भी नहीं कुछ आपके साथ, क्योंकि आप भी कुछ भी नया करोगे वो सबसे पहले होंगे जो ना बोलेंगे सबसे पहले। बट हाँ, वही लोग होंगे जिनको चिंता होगी कि आप जो सोच रहे हैं वो आप किए कि नहीं। आज को मैं अलग कुछ अलग की थी तो लोग कॉल करके मुझे पूछते, यार जो वो जो की कर रही है, वो जो तू की थी शुरू, पता भी नहीं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बताई भी नहीं थी मैं, क्यों बताऊँ? जब तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी, तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, तो मैं तुमको क्यों दूँ A to Z इन्फो? अगर आप TCS में नहीं आओगे, सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या आपको पहला दिन सब बता देता है, इवन दो यू आर नॉट सिलेक्टेड? तब ना रोल आउट होता है, ऑफर लेटर है, आपको क्लॉजेस बता रहा है, आप अग्रीमेंट है, आप साइन करते हो। जब आप आए ही नहीं हो मेरे पास तो मैं आपको क्यों इन्फ्लुएंस इन्फो दूँ? ये लोग को बहुत जिज्ञासा है, हर 2 साल 3 साल बाद सोचते हैं क्या कर रही है नहीं कर रही है। दूर दूर तक इनको कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कभी साथ नहीं देंगे मेरा, पर इनको मुझसे ज्यादा लेना देना है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये लोग को रख के क्या करूं मैं, हाँ हाय हेलो तक ही है। तो आपका ना ये जो मन है, ये इंस्टिंक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको कह देता है कुछ कि क्या आगे स्टेप लेना है, किसको अपने पास रखना है, किसको आपके कितने पास रखना है, किसका आपको कितना दूर रखना है, किससे कितनी बातें करनी है। तो उतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना जहां पर जान रहे हो कि कल को अगर काम आएगा तो ये नहीं आएंगे आपके काम, छोड़ दो। और एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रखना, जैसे जब मम्मी के लिए मुझे पैसे जुगाड़ कर, मुझे शर्म, एक तो शर्म आ रहा था कि क्यों मांगू, फिर मुझे लगा कि यार अभी उतना सोचने का भी वक्त नहीं है। भाई मुझे लिंक भेजा, मैं सबको लिंक भेज रही हूँ, अब खुदा गवाह है कि क्या पता क्या हुआ, सब कोई भेज भी दिए उतने पैसे, जिन लोगों को पता नहीं था वो भी किसी क्या हुआ पूछ के मैं बताई, वो भी भेज दिए। तो मेरा भाई को लगा कि यार चलो 1 साल में बोल रही हूँ, 1 दिन में इतना हो गया, 12 लाख का हो जाए। उम्मीद इतना कुछ क्यों उम्मीद करूं मैं और क्यों मांग रही हूं, ये गलती मेरी है। उस समय वो 1 महीना वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उतना, वो कैसे गए गुजरा वो अभी भी मुझे याद नहीं है। तो वो 2022 का वो अप्रैल वाला पार्ट चला गया है, वो अप्रैल मंथ मेरे दिमाग से, जो मई आई हूं तब से मई में थी मैं। आपके साथ देने वाले बहुत कम है, ठीक है? तो आप अपने ड्रीम्स को ना अपने बच्चों की तरह बचा कर रखिए। मैं तो वही करती हूँ, जरूरी नहीं है उसके लिए कि मैं बच्चे करूँ, बट मेरे सपनों को अगर कोई बोल देगा ना तो नाखून नहीं है बट खरोच लूंगी मैं। तो मेरे सपने बहुत बहुत उनको लेके मैं प्रोटेक्टिव हूँ और मुझे पता है कि मैं उनको पूरा करूंगी। आप उसके लिए यस बोलो या नहीं बोलो, बाय।